दोस्तों बहुत सारे साथियों के कमेंट आ रहे थे कि चूंकि ठंडी का मौसम है तो हम गीजर खरीदना चाहते हैं, तो सही गीजर का हम चुनाव कैसे करें, कैसे हम यह निर्धारित करें कि यह गीजर हमारे लिए एकदम सही होगा। तो आज के वीडियो में बस हम इस चीज को अच्छे तरह से समझेंगे कि हमें गीजर खरीदते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिये इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको बताऊंगा, इन चीजों को आपको फॉलो करना है जब आप गीजर खरीदें। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें क्या होगा कि गीजर हमेशा ऐसा खरीदें जिसकी कैपेसिटी ना ज्यादा हो और ना कम हो, मतलब जो इसकी कैपेसिटी है कैपेसिटी वह देखें कि ना ज्यादा हो ना कम हो। ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखें कि मतलब जितनी आपकी जरूरत हो उससे ना ज्यादा हो और ना ही उससे कम हो। उसके बाद अगला इसमें ध्यान देने योग्य चीज क्या है कि गीजर में यह चीज भी ध्यान रखें कि गीजर के अंदर ग्लास आप देख चेक कर लें या आप उसे पूछ लें कि ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट हो गीजर के अंदर। अगर आप इस तरह के ग्लास कोटेड हीटिंग एलिमेंट का अगर आप गीजर लेते हैं तो उसकी लाइफ ज्यादा दिन तक होती है, उसका जो हीटर होता है उसमें जो एलिमेंट होता है वो जल्दी खराब नहीं होता है और वह अच्छे से वर्क करता है लंबे समय तक के लिए। इसमें और एक खास बात क्या है कि हमेशा ऑटोमेटिक गीजर आपको खरीदना चाहिए। ठीक है, ऑटोमेटिक गीजर आप खरीदें, मैनुअल गीजर आप ना खरीदें। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप ऑटोमेटिक गीजर नहीं लेते हैं तो आप अक्सर भूल जाते हैं गीजर को बंद करना, उससे आपके बिजली का बिल आता रहता है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए टंकी का पानी खत्म हो जाए और आपने गीजर को ऑन ही छोड़ दिया है और लगातार वो गीजर हीट हो रहा है, गर्म कर रहा है तो उसके अंदर पूरा सारा सिस्टम उसका मेल्ट हो जाएगा, क्योंकि हीटिंग के कारण पूरा मेल्ट हो जाएगा। और अगर जब आप उसमें आप पानी डालेंगे, जब आप पानी उसमें टॉपअप करेंगे, मान लीजिए आपकी टंकी का पानी खत्म हो गया है और आपने गीजर को बंद भी नहीं किया है, तो जब टंकी आप भर करके उसमें जब गीजर में पानी आप डालेंगे गर्म करने के लिए तो उस जो टंकी से जो पानी निकलेगा उसमें इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी, जिससे दुर्घटना भी हो सकती है। कई बार इस तरह की दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं कि जो मैनुअल गीजर थे उन्हीं से। इसीलिए आप ऑटोमेटिक गीजर लीजिए कि जो कि जैसे ही पानी गर्म हो जाए वो ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाए और जैसे ही पानी की फिर ठंडा पानी आए तो वो ऑटोमेटिक ऑन होकर के पानी को गर्म करने लगे। तो इसलिए ऑटोमेटिक गीजर का ही चुनाव करें। इसमें एक चीज और खास बात है कि गीजर हमेशा रस्ट प्रूफ लें, रस्ट प्रूफ लें। इससे फायदा क्या होगा कि ज्यादा दिन तक इसकी लाइफ बनी रहेगी और इसमें जंग नहीं लगेगी। तो दोस्तों आप अगर इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करते हैं तो आपको एक अच्छा गीजर लेने में काफी सुविधा होगी इन चीजों को अगर आप फॉलो करते हैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और काफी कुछ इस वीडियो से आपको सीखने को मिल गया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। और दोस्तों एक मेरा दूसरा भी चैनल है जिस पर बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज आप लोगों के लिए लेके आता हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप चाहें तो जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।